अरुणा कोरी एवं स्वदेश कोरी के संरक्षण में अखिल भारतीय बुनकर महासंघ की बैठक संपन्न हुई। अखिल भारतीय बुनकर महासंघ के तत्वाधान में बुनकर समाज की असामाजिक आर्थिक राजनीतिक राजनैतिक व्यवसाय में भागीदारी के लिए समाज में एकजुट होकर राजनीतिक भागीदारी के उद्देश्य से 4 अक्टूबर 2019 को लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने बने रविंद्रालय लखनऊ में बुनकर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी जिलों का भ्रमण किया। भ्रमण के उपरांत शांति ग्रैंड होटल रायबरेली में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सुदेश कोरी संरक्षक एवं संचालक सुरेश कमल ने किया। मुख्य अतिथि अरुणा कोरी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारती बुनकर महासंघ ने समाज के सभी उपस्थित लोगों का जोश के साथ स्वागत किया। आपको बता दें कि सुदेश कोरी ने समाज के हर तबके से आग्रहपूर्ण निवेदन किया कि एक दिन का समय निकालकर लखनऊ सभा में पहुंचे और अपने बच्चों के भविष्य के लिए त्याग करें तथा सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आगामी 4 तारीख को लखनऊ पहुंचे और समाज में अपनी भागीदारी को मजबूत करें। कार्यक्रम में सावित्री दीवान, कुप्तार वर्मा, मोहनलाल, एसके वर्मा, छेदीलाल, समझलाल, रामचरण, शैलेश, डॉक्टर शिव बहादुर, डॉक्टर देवेंद्र भारती, अनिल कुमार गौतम, राजेश राज, हरिशंकर, धर्मेंद्र कुमार, शैलेश कुमार, राम सुमन धीमान, जगमोहन प्रसाद, बुद्धि राम, रामनाथ भारती, हरिकेश कोरी, सत्य नाम, महेंद्र भारती, पूनम कोरी, रामपाल, रामभुवन सहित तथा भारी संख्या में कोरी समाज के बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। आइए देखते हैं रायबरेली से हमारे संवाददाता रामभवन की यह रिपोर्ट। कबीर साहब, मैं ये पुस्तक इसलिए लाया था, इसको मैं दिखाना चाहता था कि 244 हम लोग जातियों में 244 गोत्र हैं लाहों के कोरियों। ये जो बिरादरी है, इस बिरादरी में बहुत सी बिरादरियों के लोगों ने इस काम को पकड़ा और धीरे धीरे इसमें समाहित होते गए। जैसे कबीर साहब को लोग कहते हैं मुसलमान है। कबीर साहब ने अपने को जुलाहा तो बार बार कहा है, लेकिन कभी उन्होंने मुसलमान नहीं कहा है। कोरी बार बार कहा है, लेकिन उसको मुसलमान नहीं कहा है। तो लोग गुमराह करते हैं। हमारी समस्या, चूंकि जो जब से देश आजाद हुआ है, पहले की सामाजिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति, आजादी के पहले हमारे बाप दादे थे वो दूसरी थी, आज आजादी के बाद दूसरी आ गई। अब राजनीति के माध्यम से ही समाज की उन्नति हो रही है। जिनके लोग राजनीति में हैं, वही लोग वही समाज तरक्की कर रहा है। जिनके लोग राजनीति में नहीं है, उनका समाज तरक्की नहीं कर रहा है। तो कई बिंदु हैं और बड़ा पेचीदा ये है किसी संगठन को चला के उनके उद्देश्यों की पूर्ति करना। हमने ये संगठन बनाया तो हमने कहा था कि कोरी कपड़ा और कबीर, तो पहले हमने कबीर को लिया और आज हमें ये बताते हुए हमें अच्छा लगता है कि भारत के किसी भी, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे कहीं हो, वहां पर कबीर साहब की फोटो कोई रखता नहीं था। आज तारीख में सब लोग कबीर साहब की फोटो रख करके अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो वो तो काम खत्म हो गया है। अब दूसरे फेस में है कि अब हमारा कोरी कपड़ा और कबीर, अब कपड़ा और कबीर, कपड़ा और कोरी, कपड़े का जो व्यवसाय है, कृषि के बाद कहते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या ही नहीं की है, पहनता है आज नहीं, वो शुरू से पहनता आया है और आपका संगठन नहीं है, ये बड़े ताज्जुब की बात है। आप इकट्ठा नहीं, क्योंकि जनसंख्या भी आपकी ज्यादा है, पेशा भी आपके पास है, लेकिन उस काम को राजनीति के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से धीरे 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 उसका रूप परिवर्तित कर दिया गया। मिले लग गई, हैंडलूम से पावर लूम लग गए और तरीके से, सब तरीके से वो बदलाव धीरे धीरे होता गया और समाज में हमारे लोग उस चीज को समझ नहीं पाए। हमने बहुत अध्ययन किया, बहुत पढ़ाई की, बहुत ढूंढा। ढूंढने के बाद में, जैसे एक बहुत छोटा सा कारण बताते हैं आपको, अब उस बात को हम लोग कोई नहीं जानते थे, हम भी नहीं जानते थे कि एक जो हम लोग 1956 में हम लोग शेड्यूल कास्ट लिस्ट में आए, 1956 में और 1950 में बाकी जातियां, 1950 में जब ये अनुसूचित जाति अधिनियम बना 1950 में, तो उसमें बहुत सी जातियां हैं, केवल आप और खटिक समाज दो आदमी बाहर कर दिए गए। और उसके बाहर करने का कारण क्या था कि हमारे अपने ही लोगों की राजनीति के कारण हम बाहर होकर हमारा नुकसान हो गया। 1932-31-32 में, ये 1927 से ये कार्यक्रम शुरू हुआ, 1931-32 में जब बाबा साहब अम्बेडकर संघर्ष कर रहे थे और वो कह रहे थे कि नहीं, दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए, दलितों को सीटें मिलना चाहिए, इनको नौकरियां मिलनी चाहिए, उस समय संघर्ष कर रहे थे और उस संघर्ष में दलित जातियों की खोज हो रही थी किनको किनको शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में रखा जाए।
तो उस समय क्या हुआ कि गुजरात में कोली समाज के, कोरी समाज के ही लोग अपने को कहने लगे कोली, और उसी समय हिंदू महासभा, आपने नाम सुना होगा, बी एल मुंजी हिंदू महासभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, फर्स्ट लॉन्ग ट्रेवल कॉन्फ्रेंस में वो गए थे। हिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन जो हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे बी एल मुंजी ही कर रहे थे, उस जमाने में कर रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर, इधर गांधी तो पॉलिटिकल और ये लोग पॉलिटिकल थे, लेकिन हिंदू महासभा थी, हिंदुओं की ओर से वो कर रहे थे। उनकी रणनीति ये थी कि अगर ये लोग शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में आ जाएंगे तो हमारी इनकी जनसंख्या कम हो जाएगी, इनकी जनसंख्या कम हो जाएगी, हिंदुओं की जनसंख्या आगे हो जाएगी, क्योंकि 1903 तो हमारा समाज क्यों नहीं इससे आगे बढ़ सकता है। हम लोग चाहते हैं कि हर जिले में इसका व्यवसाय खोला जाए, अपने लोगों को उसमें नौकरी दी जाए, हमारे लोग जो इधर उधर गरीब लोग भटक रहे हैं उनको उसमें लगाया जाए ताकि वो लोग भी इसी व्यवसाय से आगे बढ़े। तो जब जितना हर जिले में खुलेगा तो लोग व्यवसाय मिलेगा तो लोगों को नौकरी मिलेगी, हम अपने ही व्यवसाय में लोगों को नौकरी देंगे तो हमारा समाज इससे आगे बढ़ता जाएगा। इसीलिए लखनऊ में हम लोग 4 अक्टूबर को मीटिंग कर रहे हैं, तो हर जगह जा करके लोगों से कह रहे हैं, तो आप लोगों से भी हाथ जोड़ करके यही विनती है कि आप सभी लोग भारी से भारी संख्या में वहाँ पर आए। और जो हम लोग यहाँ पर आए हैं तो ये बहुत हमको अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब हम मंत्री थे तो बहुत और जगहों पे हम लोग जाते रहे, इधर सूरत गए हैं, गुजरात भी गए हैं, काफ़ी जगहों पे हम लोग गए हैं, लेकिन इधर रायबरेली साइड अपनी बिरादरी बहुत है, अमेठी रायबरेली में, इधर हम लोगों को आने का सौभाग्य नहीं मिल पाया क्योंकि इधर मीटिंग नहीं लग पाई हम लोगों की। तो समाज के लिए बहुत काम किया, महिलाओं के लिए हम लोगों ने, इतनी महिलाओं को वृद्धा पे